नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2000 की प्राइस रेंज के अंदर इंडिया में मिलने वाले टॉप 5 ब्लूटूथ एयरफोन्स यानी कि नेक बैंड के बारे में और जानेंगे कौन से हैं वो टॉप 5 बेस्ट ब्लूटूथ एयरफोन्स जो अंडर 2000 के प्राइस सेगमेंट में आपको परचेस करना चाहिए। और दोस्तों, हम इन सभी नेक बैंड्स को इनकी तीन क्वालिटी के बेस्ट पर इस लिस्ट में इंक्लूड करेंगे और वो है इनकी साउंड क्वालिटी, लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी और बैटरी बैकअप। तो आइए जानते हैं कौन से अंडर 2000 के प्राइस सेगमेंट में मिलने वाले टॉप 5 ब्लूटूथ एयरफोन्स। दोस्तों, मैं हूं शोभित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द टेक सिटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पर है रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2S, जो कि रियलमी बर्ड्स वायरलेस नियो का सक्सेसर है और कई सारे स्मार्ट फंक्शंस के साथ आते हैं। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये एयरफोन्स 11.2 mm डायनामिक बेस ड्राइवर्स के साथ आते हैं और ऑडियो क्वालिटी भी हमें प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी मिल जाती है। मिड्स एंड हाईस को भी बढ़िया से प्लेस किया गया है, लेकिन अगर हाई बेस पर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो मैं आपको ये एयरफोन रिकमेंड नहीं करूंगा। वहीं कॉलिंग के लिए इसमें AI नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो कॉलिंग में कोई भी इशू नहीं रहने वाला। और 88 ms की लो लेटेंसी होने से गेमिंग में भी मुझे कोई लैग फील नहीं हुआ और ड्यूल चैनल ट्रांसमिशन के कारण ईयरबड्स में काफ़ी सिंक्रोनाइज्ड साउंड मिलता है, तो गेमर्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं कुछ स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट होने से आप इसके बटन्स को खुद से कस्टमाइज कर पाएंगे। साथ ही बेस बूस्ट और गेमिंग मोड जैसे बहुत से मोड्स आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर भी इसमें अवेलेबल है, यानी आप दोनों ईयरबड्स को आपस में लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होकर पावर ऑफ हो जाएगा और दोनों को अलग करने पर फिर से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही ड्यूअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है। अब लुक्स एंड कंफर्ट्स की बात करें तो ये एयरफोन काफ़ी लाइट वेट रहने वाले हैं। अगर आप पूरे दिन के लिए भी वेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होंगे। साथ ही ये फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ काफ़ी मजबूत भी है और IPX4 रेटिंग होने से ये वाटर रेजिस्टेंट भी रहेंगे। अब बात करें बैटरी की तो इसमें कंपनी 24 आवर्स का नॉन स्टॉप प्लेबैक और 15 आवर्स की नॉन स्टॉप कॉलिंग क्लेम करती है। साथ ही एयरफोन को 20 मिनट चार्ज करने पर 7 आवर्स तक नॉन स्टॉप चल सकते हैं, तो बैटरी बैकअप मुझे थोड़ा कम लगा है। अब बात करें प्राइस की दोस्तों, ये एयरफोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे अराउंड 1450 रुपये के प्राइस पर। अब नंबर 4 पर है बोट की तरफ से आने वाले बोट रॉकर्स 333 प्रो, जो कि काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन और साउंड क्वालिटी के साथ आते हैं। दोस्तों, अगर आप हैवी यूज़र हैं और पूरे दिन म्यूजिक, गेम्स या कॉलिंग वगैरह पर बिजी रहते हैं तो ये एयरफोन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको 60 आवर का नॉन स्टॉप प्लेबैक मिल जाता है और इतना लॉन्ग प्लेबैक टाइम आपको इस प्राइस सेगमेंट के किसी भी दूसरे एयरफोन में नहीं मिलता। अब अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये एयरफोन 10 mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं, जो कि जनरली हमको बोट के सभी एयरफोन में देखने को मिलते हैं, तो बेस आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। और अगर आप थोड़ा लाउड या रॉक म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो इनमें आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वहीं कॉलिंग में भी कंपनी ने ENX टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिससे वॉइस क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है, साथ ही ड्यूअल पेयरिंग का फीचर भी इसमें अवेलेबल है, तो आप इन्हें दो डिवाइस से एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो ये एयरफोन वॉइस असिस्टेंट को सपोर्ट करते हैं, साथ ही इनमें गेमिंग के लिए बीस्ट मोड भी मिल जाता है, लेकिन मैग्नेटिक ऑन ऑफ वाला फीचर आपको इसमें नहीं मिलता, जो आई थिंक कंपनी को देना चाहिए था। अब लुक्स एंड कंफर्ट्स की बात करें तो ये एयरफोन ब्रेडेड केबल के साथ आते हैं, जो कि देखने में काफ़ी कूल और यूनिक लगती है। वहीं एयरफोन की बिल्ड क्वालिटी भी सिलिकॉन मटेरियल की है, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल है, और IPX5 रेटिंग होने से ये वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट भी रहेंगे। अब बात करें बैटरी की तो इसमें कंपनी 60 आवर्स का नॉन स्टॉप प्लेबैक क्लेम करती है। साथ ही एयरफोन 10 मिनट चार्ज करने पर 20 आवर्स तक नॉन स्टॉप चल सकते हैं और एक घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। अब बात करें प्राइस की दोस्तों, ये एयरफोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिलते हैं अराउंड 1799 रुपये के प्राइस पर। अब नंबर 3 पर है नॉइस की तरफ से आने वाले नॉइस फ्लेयर। दोस्तों, ये एयरफोन इतने सारे स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं कि आप इनसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सकते। साथ ही इनका डिज़ाइन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैं अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये एयरफोन भी 10 mm ड्राइवर्स के साथ आते हैं, तो इनमें आपको साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बैलेंस्ड मिल जाएगी। मिड्स एंड हाइस को भी ये बढ़िया से मैनेज कर लेता है और बेस को भी मीडियम रखता है। हालांकि जो बेस लवर्स हैं उन्हें उतना मज़ा नहीं आएगा, तो क्लासिकल म्यूजिक पर ये परफेक्ट साउंड करते हैं। वहीं कॉलिंग में मुझे इनकी परफॉर्मेंस इंप्रेसिव लगी है। कंपनी ने इसमें भी ENC टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जो अनवांटेड नॉइज़ को काफ़ी कम कर देता है। साथ ही ड्यूअल माइक होने से वॉइस क्वालिटी भी इन्हेंस हो जाती है और लो लेटेंसी होने से गेमिंग के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है और ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग का फीचर भी इसमें अवेलेबल है। अब कुछ स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फुल टच कंट्रोल मिल जाता है, जो इसे लिस्ट के बाकी एयरफोन से यूनिक बना देता है, तो आप इसे टच सेंसर के थ्रू ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही कॉल आने पर ये वाइब्रेटिंग अलर्ट भी देता है और आप सेंसर को टच करके कॉल रिसीव कर पाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे स्मार्ट फंक्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। साथ ही मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर भी इसमें मिल जाता है, जो मेरी नज़र में काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। अब लुक्स एंड कंफर्ट्स की बात करें तो ये मेटालिक शेड के साथ आते हैं, तो लुक वाइज काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं और बिल्ड क्वालिटी भी सिलिकॉन मटेरियल की होने से काफ़ी फ्लेक्सिबल और लाइट वेट है। साथ ही IPX5 रेटिंग होने से वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट भी रहेंगे। अब बात करें बैटरी की तो इसमें आपको 35 आवर्स का नॉन स्टॉप प्लेबैक मिल जाता है। साथ ही ईयरफोन 8 मिनट चार्ज करने पर 8 आवर्स तक नॉन स्टॉप चल सकते हैं और 40 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाते हैं। अब बात करें प्राइस की दोस्तों, ये ईयरफोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे अराउंड 1799 रुपये के प्राइस पर।
अब नंबर दो पर है वन प्लस की तरफ से आने वाले वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी पॉपुलर एयरफोन है, बेस्ट सेलर भी रहे हैं, स्पेशली अपने डीप बेस के लिए जाने जाते हैं। इनका लाउड एंड पंची साउंड ही इनकी USP है। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये एयरफोन लार्ज 12.4 mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं, जो काफ़ी पंची बेस प्रोवाइड करते हैं, वहीं मिड्स एंड हाइज को भी बैलेंस रखते हैं। तो अगर आप EDM या रॉक म्यूजिक ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये एयरफोन आपके लिए बेस्ट रहेंगे, लेकिन अगर आप क्लासिकल या इंडियन म्यूजिक लवर हैं तो शायद आपको ये पसंद नहीं आने वाले। वहीं लो लेटेंसी भी इसमें नहीं मिलती, तो गेमिंग के लिए भी मैं इन्हें रिकमेंड नहीं करूँगा। और कॉलिंग के लिए कंपनी ने इसमें भी AI नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तो कॉल के वक्त वॉइस क्लैरिटी इसमें भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा ये ईयरफोन ASC और SBC कोडेक को सपोर्ट करते हैं, जो ऑडियो क्वालिटी को काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है, लेकिन ड्यूअल पेयरिंग और वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलते हैं। हालांकि मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर इसमें भी मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। अब लुक्स एंड कम्फर्ट्स की बात करें तो ये ईयरफोन काफ़ी लाइटवेट और स्टाइलिश है, और इनका सिलिकॉन मटेरियल भी काफ़ी स्किन फ्रेंडली और कम्फर्टेबल फील होता है, तो लॉन्ग टाइम तक वेयर कर सकते हैं। और IP55 रेटिंग होने से वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी रहेंगे। अब बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 220 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसमें 30 आवर्स का नॉन स्टॉप प्लेबैक मिल जाता है, जो कि डिसेंट है। साथ ही एयरफोन को 10 मिनट्स चार्ज करने पर 20 आवर्स तक नॉन स्टॉप चल सकते हैं, तो चार्जिंग स्पीड मुझे काफ़ी पसंद आई है। अब बात करें प्राइस की, दोस्तों ये एयरफोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे अराउंड 1899 रुपये के प्राइस पर। और दोस्तों नंबर एक पर है ओप्पो की तरफ से आने वाले ओप्पो एंको M32। दोस्तों अगर आप बैलेंस जो प्रीमियम लिसनिंग एक्सपीरियंस पसंद करते हैं तो ये ईयरफोन डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये ईयरफोन 10 mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं, जिनमें कि बेस को भी अच्छे से मैनेज किया गया है और मिड्स एंड हाइज भी एकदम परफेक्टली प्लेस्ड हैं। और स्पेशली म्यूजिक लवर्स के लिए मैं इन्हें रिकमेंड करना चाहूँगा। साथ ही ASE और SBC कोडेक का सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है, तो साउंड क्वालिटी में आपको काफ़ी प्रीमियम और रिच एक्सपीरियंस मिल जाता है। और कॉलिंग में भी मुझे वॉइस क्वालिटी काफ़ी पसंद आई है, क्योंकि AI नॉइस कैंसलेशन आपको इसमें भी मिल जाता है। और दोस्तों इसमें लो लेटेंसी ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जिससे गेमिंग में लिसनिंग एक्सपीरियंस इनहेंस हो जाता है। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है, साथ ही मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर भी इसमें अवेलेबल है, और दो डिवाइस के बीच क्विक स्विचिंग का फीचर भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। अब लुक्स एंड कम्फर्ट्स की बात करें तो ये ईयरफोन भी काफ़ी लाइटवेट रहेंगे, और बिल्ड क्वालिटी भी सिलिकॉन के होने से काफ़ी स्किन फ्रेंडली और कंफर्टेबल है, तो लॉन्ग टाइम तक वेयर कर सकते हैं। और IP55 रेटिंग होने से वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी रहते हैं। अब बात करें बैटरी की, तो इसमें भी हमें 220 mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें 28 आवर्स का नॉन स्टॉप प्लेबैक मिल जाता है, जो कि मुझे थोड़ा कम लगा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें केवल 10 मिनट्स चार्ज करने पर ये 20 आवर्स तक नॉन स्टॉप चल सकते हैं, और 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं, तो चार्जिंग स्पीड काफ़ी फास्ट मिलने वाली है। अब बात करें प्राइस की, दोस्तों ये ईयरफोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे अराउंड 1799 रुपये के प्राइस पर। दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट, और आपको इनमें से कौन से एयरफोन ज़्यादा पसंद आए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द टेक सिटी।